बस केवल 24 घंटे बचे हैं, उसके बाद हमारा बनाया हुआ कृत्रिम सूरज भी समाप्त हो जाएगा और फिर बिना सूरज के पृथ्वी लोक का बचपना नामुमकिन है। नहीं परियो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें प्रथम ग्रह पर जाकर उस स्मृति यंत्र को ढूंढकर गुरुदेव को दिखाना होगा। लेकिन अगर हमें स्मृति यंत्र नहीं मिला तो रानी परी, तो फिर हम गुरुदेव के साथ बात करेंगे और उन्हें मनाने का प्रयत्न करेंगे। हाँ परी, अगर गुरुदेव फिर भी नहीं माने तो मानवता की रक्षा के लिए हमें गुरुदेव के साथ युद्ध करना है। परियों, प्रथम ग्रह पर जाने की तैयारी कीजिए। हम अभी की अभी वहां जाएंगे। आप और परिया अकेले प्रथम ग्रह पर नहीं जाएंगे। मैं, मानव और मेहर आपके साथ चलेंगे। ठीक है बालवीर, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप तीनों हम परियों से दूर रहकर इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखेंगे और किसी विकट स्थिति के उत्पन्न होने पर आप गुरुदेव के सामने आकर हमारी सहायता करेंगे। ठीक है रानी परी। महासर्वनाशी अस्त्र, सूर्य की सारी ऊर्जा सोख कर हमने ये अस्त्र बनाया। जाओ, इस अस्त्र से सारी परियां और परिलोक का संपूर्ण विनाश कर दो। किंतु याद रहे, इसका उपयोग एक ही बार किया जा सकता है, इसलिए इसका उपयोग तभी करना जब सारी परियां मौजूद हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही प्रहार से सारी परियां और परिलोक का अंत हो जाए। जी गुरुदेव। मोनिका, मांडू, तुमने तो मोनिका को डरा ही दिया। सॉरी। और ये क्या हुलिया बना रखा है? तुम पागल हो गए हो क्या? पागल? हाँ, वो तो किसी ने हमें पागल कर दिया। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए ये गिफ्ट लाया हूँ। ये पिंक कलर के अलावा और कोई कलर नहीं मिला तुम्हें? वो क्या है ना, मुझे किसी को इंप्रेस करने का सीक्रेट मिल गया है। वेरी फन। तुम जो भी बोल रहे हो मोनिका को समझ में नहीं आ रहा, अंडरस्टैंड? तुम एक बार गिफ्ट खोलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। परफ्यूम भी है। पापा जापान से लाए। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम्हें मोनिका का सीक्रेट पता चल गया, कि मोनिका को पिंक कलर पसंद है, इसलिए तुम जानबूझ के मोनिका को परेशान करने आए हो और स्टूपिड से गिफ्ट भी लाए हो। अरे ये क्या कह रही हो तुम मोनिका, तुम्हें पिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 1% भी नहीं। अब तक तो मोनिका पिंक कलर को डिसलाइक करती थी, लेकिन अब मोनिका पिंक कलर को नफरत करती है। मोनिका, हमें पता है तुम्हें पिंक कलर का कैंडी प्लस बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे लिए व्हाइट कलर का कैंडी प्लस लाए हैं। तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाया है। रियली? यस। यू आर सो स्वीट, सो स्वीट। कम। इडियो, ये तुमने मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी के साथ अच्छा नहीं किया, ये तुम्हें बहुत भारी पड़ने वाला है। वैसे बॉस, ये पिंकू गिरी आप पर ही भारी पड़ गई है ना?
अब तू ये भारी खा। वो तो है तुम्हारी किस्मत अच्छी कि है ना अभी यहाँ पर परिया। होती अगर यहाँ हो तो कर देते तुम्हारा अंत एक ही पल में। किस्मत तो परियों की अच्छी है जो यहाँ नहीं है, परंतु वो मुझसे ज्यादा वक्त तक नहीं बच सकती। बताओ कहाँ है परिया, बताओ। नहीं 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 बताएंगे हम, कर लो है जो करना, लेकिन हम डुबा डुबा नहीं बताएंगे कि है कहाँ परिया। नहीं बताओगे? नहीं। तो वायु के हाथों सजा पाओगे, फिर तो अपने आप बताओगे। बालवीर, आप मानव और मेहर के साथ यहाँ रुकिए, हम आगे जाकर स्मृति यंत्र को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है रानी पर। चलिए परियो। तुम स्वयं यहां आ गई परिया, क्योंकि हम यहां तुम्हारा अंत करेंगे और वहां परिलोक में मेरा शिष्य वायु परिलोक का सर्वनाश कर देगा। अटकाती परी, आप तुरंत बालवीर और मानव मेहर के पास जाइए। आप उन्हें जाकर बताएं कि वायु ने परिलोक पर हमला कर दिया है। वो तुरंत परिलोक जाएं और परिलोक पर जाकर सभी डुबा डुबाओं की जान को बचाएं। जी रानी परी। बालवीर, क्या हुआ अटकाती परी? आपके पास समय बहुत कम है, अब तुरंत परिलोक चले जाइए। लेकिन अटकाती परी, आप सब परियां यहाँ पर अकेली हैं और गुरुदेव। बालवीर, ये रानी परी का आदेश है और उनके आदेश के बाद लेकिन किंतु परंतु का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है अटकाती परी, चलो मानो मैं। देखिए गुरुदेव, आप हमारी बात तो सुनिए, हम यहाँ आपको कुछ दिखाने आए। तुम सबका असली रूप हम पहले भी देख चुके हैं, अब देखने दिखाने लायक कुछ नहीं बचा परियो। नाइन्टी वन,
92. देखो पिद्दियो, देखो सब लोग, मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी का मजाक उड़ाने का नतीजा उल्लू बना था इन्होंने मुझे. चलो 93, 97. अरे मोंटू गलती हो गई, जाने देना यार. मोंटू जाने देना यार. चुप कर, चालू कर चल. 101. तुम सब जाकर कहीं छुप जा, इस मुसीबत को हम संभालते हैं. चुप जा तुम दोनों, उधर जा. आओ आओ आओ, तुम लोग भी आओ. डूबा का तो अपनी जान प्यारी नहीं, लेकिन तुम तीनों अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो बताओ परिया कहाँ है. परियों तक पहुंचने से पहले हमसे तो मुकाबला कर लो. हम वायु को अपनी जादुई शक्तियों से नहीं हरा सकते, हमें इसे हराने के लिए कोई उपाय सोचना होगा. छुप जा. क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है. बाल मित्र आप कुछ सोचिए ना, कैसे काबू में करें उस वायु को. एक मिनट, ये वायु क्या है? क्या है मतलब? वो एक शक्तिशाली योद्धा है जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स है. अरे नोनो, आई मीन ये वायु क्या है? ये एयर यानी कि हवा से मिक्स होकर बना है ना. हाँ तो हाँ, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे ही.
इस वायु का इलाज भी वायु ही है। हम अपने घर में वायु को खींचने के लिए क्या यूज करते हैं? वैक्यूम क्लीनर। हाँ वैसे ही वैक्यूम क्लीनर कचरा साफ करने के लिए हम अपने अंदर खींचता है, वैसे ही हम वायु को भी वैक्यूम क्लीनर के अंदर बंद कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है। स्टुपिड, परिलोक में हमें कहाँ से मिलेगा वैक्यूम क्लीनर? बालवीर है कर रहे बाल सके बाल मित्र किस यंत्र के बारे में बात? वायु शोषक यंत्र, एक ऐसा यंत्र जो अपने आसपास की सारी वायु को अपने अंदर खींच लेता है। अरे वाह बालवीर, है बनाया एक ऐसा यंत्र नटखट परी ने परिलोक की साफ सफाई के लिए, है कहते हैं हम उसे पवन शोषक यंत्र। कहाँ छुप गए तुम सब मुझसे डर कर? हिम्मत है तो बाहर आओ, लड़ो मुझसे। बाल सखी बाल मित्र, तुम दोनों डुबा डुबाओ के साथ जाओ और पवन शोषक यंत्र यहाँ पर लेकर आओ। पर बालवीर तुम यहाँ अकेले? जैसा मैंने कहा वैसा कर, जल्दी। ठीक है बालवीर। गुरुदेव गुरुदेव रोक दीजिए ये सब कुछ। देखिए आप हमें समझने की कोशिश कीजिए, हम सिर्फ आपको स्मृति यंत्र दिखाना चाहते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि वो स्मृति यंत्र यहाँ कहीं गुम हो गया। हाँ गुरुदेव हम पर विश्वास कीजिए, कृपया करके आप अपने बार रोक दीजिए और हमें वो स्मृति यंत्र ढूंढने दीजिए। नहीं, एक बार पहले भी हम तुम्हारे झांसे में आ चुके हैं, दोबारा ऐसी गलती हम कभी नहीं दोहराएंगे। गुरुदेव गुरुदेव हमारा विश्वास कीजिए, हम सिर्फ आपको स्मृति यंत्र दिखाना चाहते हैं और कुछ नहीं। स्मृति यंत्र पृथ्वी वासियों को भ्रम में डालने के लिए तुमने कृत्रिम सूर्य का निर्माण किया, और आप स्मृति यंत्र का नाम लेकर हमें भ्रमित करना चाहती हो। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता से। यह है सूरत गुजरात के तिलक भुवा जो बने हैं हमारे इस हफ्ते के मैं भी बालवीर विजेता, जिनके साथ हैं उनके पिताजी सुरेश। नमस्ते। तो दोस्तों आइए जानते हैं तिलक कि उन्होंने क्या अच्छा काम किया है। मैं 4 साल से मेरा बर्थडे जरूरतमंद बच्चों के साथ सेलिब्रेट करता आ रहा हूँ। मैं उनको कपड़ा और खाना देता हूँ और हर महीने में एक बार पूरा दिन उनके साथ सेलिब्रेट करता हूँ। मुझे मेरे बच्चे पे बहुत गर्व है जिसने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सोच रखी है। इतनी बड़ी सोच के लिए उसे बालवीर से प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद बालवीर। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों तिलक के इसी अच्छे काम के लिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। मैं भी बालवीर। तो दोस्तों अगर तिलक की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर किया किसी की मदद तो हमें लिख कर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए sabtv.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा बालवीर। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.